हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज का अपना जो टॉपिक है, अपन आज से अपना 11th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और अपने सिलेबस में जो फर्स्ट आपका लेसन है इन केमिस्ट्री वो बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, आज तक क्या आपने ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़े होंगे, जैसे कि मोल है, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर है। ये थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स है ये थोड़े से आपको थोड़ा परेशानी में डालने वाले, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू कैलकुलेशंस का होता है, लेकिन इजी है। साथ में आपने मैटर पढ़ा होगा, मैटर की स्टेट्स पढ़ी होगी, है ना। उसके बाद में एटम्स पढ़े होंगे, मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पढ़े होंगे। ये सभी जो टर्म्स हैं ये रिलेटेड होते हैं कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब ये जो हेडिंग है आपका फर्स्ट चैप्टर का, उसमें आपका एक सब्जेक्ट दिख रहा है बेटा केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसके बारे में आप क्या जानते हो, सिंपल सा है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, जैसे साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, उसमें अपन मेन ब्रांचेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसको मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो 11th 12th में है जो केमिस्ट्री है ये आपको सेपरेट पढ़ने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे साइंस की ब्रांच बेटा केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री के अंदर में जो केमिस्ट्री की सब ब्रांचेस होती है उसके अंदर में आते हैं, जिसको अपन क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांचेस बहुत सारी होती है जो अपन आगे चल के ये चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वी अपन स्टार्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, तो सिंपल अगर आपको किसी ने भी पूछा कि भैया केमिस्ट्री क्या है, तो सिंपल सा है, केमिस्ट्री का मीनिंग बताना। ठीक है, केमिस्ट्री का क्या बताना, एक मीनिंग बताना, सिंपल। ठीक है, अगर आपको किसी ने वन वर्ड में पूछा कि भैया डेफिनेशन मत बता कि केमिस्ट्री ये होता क्या है, सिंपल बताना, केमिस्ट्री का मतलब बोल देना बेटा स्टडी ऑफ केमिकल्स। क्या बोल देना, स्टडी ऑफ केमिकल्स। ऐसा सब्जेक्ट कि जो सब्जेक्ट के अंदर में अपन क्या करते हैं, केमिकल्स की स्टडी करते हैं। अब केमिकल्स क्या होते हैं आपको पता है अच्छे से, इवन अपने बॉडी में भी क्या है, केमिकल्स प्रेजेंट है, अवेलेबल। अपने सराउंडिंग में भी क्या है, केमिकल्स है। ईच एंड एवरी जो भी चीज़ अपन देखते हैं, जहाँ पे आप सर्वाइव करते हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट आपका केमिकल्स के साथ में आता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही कोर सब्जेक्ट माना जाता है। कोर मतलब सभी जगह पे पाए जाने वाला। ठीक है, अब ये साइंस की ब्रांच है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री की भी कुछ सब ब्रांचेस आती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अपन देखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री की। ठीक है, अभी तक तो अपन पढ़ा मीनिंग, पढ़ा केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ केमिकल्स। अब डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी बात ध्यान में रखना, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, है ना, कि केमिस्ट्री के अंदर में अपन क्या करते हैं, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ किसकी, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड साथ में क्या रहेगा उसकी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड देयर चेंजेस, एंड देयर चेंजेस। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन अब ध्यान में रखना। ठीक है, क्या बोला बेटा मेरा डेफिनेशन देखो, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। क्या करेंगे, स्टडी करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन किसकी, केमिकल्स की। साथ में उसमें क्या देखेंगे अपन, उसके कुछ चेंजेस देखेंगे, सिंपल सा, है ना। जब भी कोई रिएक्शंस होती है तो उसके बीच में क्या मिलता है आपको, चेंजेस मिलता है। इट मीन्स दैट आपको प्रोडक्ट मिलता है, जैसे रिएक्टेंट या रिएजेंट के साथ में कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और एनी कैटालिस्ट, तो प्रोडक्ट आपको क्या होता है, न्यूली फॉर्म मिलता है। साथ में उसका फिजिकल कैरेक्टर चेंज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है ना, तो ये सब अपन किसके अंदर में पढ़ते हैं बेटा, केमिस्ट्री के अंदर में। या फिर कभी कभार आपको डेफिनेशन मिलती है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, देखो सेम टू सेम ही है, बस थोड़ा सा उसको क्या किया अपन ने, चेंज करा दिया। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड देयर चेंजेस। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको समझ में आई। उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, केमिस्ट्री अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री, सिंपल सा बता देना बेटा, स्टडी ऑफ केमिकल्स। ठीक है, अब चलो दूसरा पॉइंट ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे ये तो हो गया अपने डेफिनेशन, देखो अलग मार्किंग से मैंने बताया। ठीक है, इट इज सेंट्रल साइंस, क्या बोला मैंने, इट इज अ सेंट्रल साइंस। अगर ये वर्ड मैंने आपको बोला है तो ये होगा क्या, ठीक है, इट इज अ सेंट्रल साइंस। सेंट्रल साइंस का मतलब क्या होता है, जो भी साइंस है, साइंस के जो भी पार्ट्स है
उसके अंदर में क्या होगा, इसका यूज़ होगा, किसका, केमिस्ट्री का, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, सो ऑन, जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी साइंस के अंडर में आते हैं, तो केमिस्ट्री इज द सेंट्रल साइंस। क्यों इसको सेंट्रल साइंस कहा जाता है, क्योंकि हर जगह पे इसका क्या होता है, साइंस में यूटिलाइजेशन होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, किस प्रकार होगा आगे चल के अपन देखेंगे बाद में। इट इज यूज इन कोर सब्जेक्ट। क्या बोला मैंने, इट इज यूज इन कोर सब्जेक्ट। अब कोर का मतलब होता है सभी जगह पे, ऑल यूज, ऑल सब्सटेंसेस या फिर ऑल जगह पे उसका क्या होता है बेटा, यूज होता है, किसका, केमिस्ट्री का। तो सेकंड पॉइंट क्या ध्यान में रखना, इट इज यूज इन कोर सब्जेक्ट। कोर मतलब सभी जगह पे। अब सभी जगह मतलब कौन से लाइक सबसे पहले अपन देते हैं फिजिक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया मैंने, फिजिक्स। फिजिक्स का आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, ठीक है, फिजिक्स में कुछ एपरेटस यूज़ करते हो, है ना, तो उसके अंदर में क्या होता है, स्पेशल एक केमिकल्स होता है। केमिकल्स मतलब सिंपल समझ लो, मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, यार मेटलाइट्स होगा, वो क्या है, एक प्रकार के एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स ये मॉलिक्यूल से बनते हैं, मॉलिक्यूल्स एटम से बनता है, और जो एटम है या फिर एलिमेंट्स है वो केमिस्ट्री के अंदर में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर में केमिस्ट्री का यूटिलाइजेशन होता है। उसके बाद में बेटा बायोलॉजिकल साइंस में यूज होता है, बायोलॉजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है, जैसे आपका स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है, माइक्रोबायोलॉजी होती है, ऐसे टाइप्स ऑफ साइंस है जो बायोलॉजी के अंदर में आते हैं, तो उसके अंदर में भी क्या होता है, केमिस्ट्री का यूज होता है। फॉर एग्जांपल अपन माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, स्लाइड का ऑब्जर्वेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, इंडिकेटर यूज होता है, है ना, या फिर टाइट्रेशन की मेथड आप वहाँ पे परफॉर्म करते हो, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज जो प्रैक्टिकल के फॉर्म में आप करते हो, तो बायोलॉजिकल साइंस में भी किसका यूटिलाइजेशन होता है, केमिस्ट्री का होता है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी क्या होता है, केमिस्ट्री का यूज होता है। एग्रीकल्चर में कैसे, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, सीड्स हो गई, अभी तो लोग हाइब्रिड की सीड यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स हो गया, कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स वहां पे यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एग्रीकल्चर में अपन केमिस्ट्री का यूटिलाइजेशन करते हो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद में देख लो बेटा, उसके बाद में अगर जाए अपन तो इंजीनियरिंग हो गया, क्या हो गया, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में भी क्या होता है, केमिस्ट्री का यूज होता है अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग उसमें ट्रेड्स होती है। ठीक है, उसमें भी होता है। उसके बाद में डेंटिस्ट्री अगर ले लिया अपन ने, डेंटिस्ट्री जो दांत के डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट, है ना, जैसे कुछ दांत में कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, फिर कुछ परेशानी से आ गई है, तो उसको साफ करने के लिए वहाँ पर ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करते हैं, मतलब टैबलेट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं, ये सभी वहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट वन है आपका डेली हाउस प्रोडक्ट। जो डेली हाउस प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपके घर में बहुत सारे डेली हाउस प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल खुद ले लो ना बेटा, हेयर को ऑयल लगाते हो, फेस पे पाउडर लगाते हो, मेकअप का जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, और जगह पे क्या है, केमिकल्स है, केमिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि बेटा ये जो केमिकल्स है ये यूज़फुल ही होते हैं या हार्मफुल ही होते हैं, है ना, तो हमेशा एक बात ध्यान में रखना, ये जो केमिकल्स है ये हमेशा कुछ यूज़फुल होते हैं तो कुछ हार्मफुल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अपना पॉन्ड्स पाउडर ले लो, यूज़फुल है, और एसिड ले लो तो वो हार्मफुल है। मतलब केमिकल्स ये दोनों टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो कुछ यूज़फुल होते हैं और कुछ हार्मफुल्स भी होते हैं, तो दोनों केमिकल्स है। डेली हाउस प्रोडक्ट्स में आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क के अंदर में भी केमिकल्स होता है, चीज़ हो गया, बटर हो गया, पनीर हो गया, जो भी है ना, ये सभी के अंदर में वो कहीं ना कहीं फॉर्मेशन के लिए उनके अंदर में जो कुछ कंटेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री होते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं बेटा कि जो क्या है आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के अंदर में जो कोर सब्जेक्ट है वो यूटिलाइजेशन होता है। पॉइंट समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका, यहां पे अगर देखें तो नेचर ऑफ केमिस्ट्री अगर देखेंगे अपन, नेचर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, ये नया टाइप जो है या फिर इसके ऊपर हेडिंग बोल सकते हैं, तो ये जो नेचर ऑफ केमिस्ट्री है यहाँ पे ध्यान में रखना, इट हैज फाइव ब्रांचेस आर एज फॉलोज, या फिर फाइव ब्रांचेस क्लासिफाइड एज फॉलोज ठीक है। अगर अपन केमिस्ट्री के बेटा अगर ब्रांचेस देखे तो वो फाइव ब्रांचेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितने ब्रांचेस में, फाइव ब्रांचेस में।
ठीक है। जैसे साइंस की ब्रांच बेटा कौन है, केमिस्ट्री, उसी प्रकार केमिस्ट्री भी क्या है, ब्रांचेस के फॉर्म में है। तो पहली ब्रांच आती है बेटा इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन सी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी ब्रांच अगर देखे तो वो आती है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, होने के बाद में दूसरी आएगी उसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अगर तीसरी ब्रांच अगर देखे तो वो आएगी बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, कौन आएगी, फिजिकल केमिस्ट्री। फोर्थ ब्रांच अगर देखे तो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, जिसको बायोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है या फिर बायोलॉजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। और फिफ्थ वन अगर हम देखेंगे तो वो आती है बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। कितनी ब्रांचेस मिली आपको, टोटल 5 ब्रांचेस, पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड वन फिजिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री को ही बेटा बायोकेमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और बाद में है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, जो ब्रांचेस है, ठीक है। अब यहाँ पे वन बाय अपन देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपकी कौन सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन सी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आप इसको चार्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने ये चार्ट बनाया, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये चार्ट नहीं है, थ्योरेटिकल ही दिया है। अब आप नोटबुक में जब आप ये नोट्स बनाओगे तो एक ही ऐसा बनाना और उसके नीचे वन बाय वन लिखना, जैसे मैं ये सेपरेट लिख रहा हूँ, अब उसके नीचे क्या करना, उसकी एक स्टडी बनाना, मतलब एक प्रकार के नोट्स बनाना, ठीक है। अब जब अपन बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं तो इसके अंदर में क्या पढ़ते हैं, तो सिंपल सा बात ध्यान में रखना, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे तो इसके अंदर में ध्यान में रखना स्टडी ऑफ रिएक्शंस, क्या बोला मैंने, स्टडी ऑफ रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स, ये चीज ध्यान में रखना, क्या बोला मैंने, स्टडी ऑफ रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स, हमेशा एक चीज ध्यान में रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, जो भी सब्सटेंसेस है, स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट परफॉर्म रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स, ये चीज हमेशा क्या रखना, ध्यान में रखना। मतलब जो भी केमिस्ट्री के ब्रांचेस है उसमें पहली ब्रांच जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर में किसकी स्टडी करेंगे, रिएक्शंस एंड देयर प्रोडक्ट्स की, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें क्या होगा, आपने पढ़े है ये, है ना, जैसे कि लोअर क्लासेस में आपको 10th क्लास में आपको याद होगा एक चैप्टर था केमिस्ट्री का, जैसे थर्ड चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस का, 9th चैप्टर था आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, जो कार्बन कंपाउंड्स का है, तो उसके अंदर में आपने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, वो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा अभी, डोंट वरी। तो ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इसके अंदर में अपन क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, ठीक है। जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उन सभी की स्टडी करते हैं, लेकिन विच आर नॉट ऑर्गेनिक, समझ में आया क्या बोला इनने, कि इनऑर्गेनिक के अंदर में अपन क्या करते हैं कि ऐसे कुछ सब्सटेंसेस कि जो ऑर्गेनिक नहीं है उनकी स्टडी अपन इनऑर्गेनिक के अंदर में करते हैं। अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता क्या है, ठीक है, फट से इधर आ जाओ, मैं आपको उसका डिफरेंस बता देता हूँ। ऑर्गेनिक का मतलब होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक और यहाँ पे इनऑर्गेनिक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे कंपाउंड के जो कार्बन के साथ में क्या रहेंगे बेटा, हाइड्रोजन सिर्फ अटैचमेंट रहेंगे, ऐसे कुछ कंपाउंड जो कार्बन के साथ में लिंक रहेगा सिर्फ हाइड्रोजन, अगर ऐसा है तो उसको बोलेंगे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोलेंगे उसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड, साथ में उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये अपन इसके पहले पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में और कुछ बेसिक क्लासेस में भी आपने ये पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, इट मीन्स दैट वो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, तब जाके वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में इंक्लूडेशन होगा। लेकिन इनऑर्गेनिक के साथ में या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में आप क्या पढ़ते हो, कार्बन तो होगा लेकिन कार्बन के साथ में हाइड्रोजन नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, ऑक्सीजन हो, हैलोजन ग्रुप हो, या फिर नाइट्रोजन हो, या फिर एक्सेट्रा, जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, मतलब कार्बन तो रहेगा लेकिन कार्बन के साथ में कौन नहीं रहेगा, हाइड्रोजन नहीं रहेगा, इसका मतलब होता है बेटा
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चलो तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लेना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास आगे का जो है उसके लिए जगह नहीं है, तो जगह तो बनानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, नेक्स्ट है आपका जो थर्ड पार्ट है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोला मैंने? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार है और सभी की स्टडी इसके अंदर में होती है। जो इन दोनों से छूट गया, ठीक है ना, इसके अंदर में जो ऑर्गेनिक नहीं है उसकी स्टडी होगी, और इसके अंदर में जो ऑर्गेनिक है मतलब रिएक्शंस और प्रोडक्ट की स्टडी होगी। इन दोनों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे एवोगैड्रो नंबर है, मोल कॉन्सेप्ट्स है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, मोल फ्रैक्शंस है ना, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो वो कहाँ पढ़ेंगे? वो सभी का इंक्लूडेशन जो होता है वो होता है बेटा किसके अंदर में? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में एक पॉइंट ध्यान में रखना, दिस द मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, इसके अंदर में कौन सा, इट इज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस या फिर मैटर प्रेजेंट, स्टडी ऑफ मैटर प्रेजेंट, सब्सटेंस बोलने से अच्छा अपन क्या बोल देंगे, मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस रहेगा उसको क्या बोलते हैं अपन, मतलब सब्सटेंस जो है वो मैटर से बनेगा, मैटर पार्टिकल से बनेगा, पार्टिकल्स एटम से बनेगा, मॉलिक्यूल से बनेगा, है ना, उसकी स्टडी अपन क्या करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में करेंगे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना कि इन दिस मतलब किसके अंदर में, ये सब्सटेंस के अंदर में, ये जो सब्सटेंस या फिर मैटर प्रेजेंट होता है तो उसके अंदर में क्या करेंगे अपन, वी स्टडी अबाउट किसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, है ना। क्या बोला? ये अबाउट है, थोड़ा सा ध्यान में रखें, अबाउट क्या बोला है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में क्या करते हैं अपन, मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर किसका? वो सब्सटेंस का। ठीक है, अब उसमें भी किसकी स्टडी करते हैं, अगर ऐसा सवाल आया तो सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना, क्या बोला है, इन दिस वी स्टडी अबाउट किसके किसके बारे में करेंगे बेटा अपन, एटम, किसके बारे में, एटम या फिर एटम्स बोल सकते हैं उसको, साथ में क्या रहेंगे उसके, मॉलिक्यूल्स, बाद में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं कि जिसकी स्टडी अपन किसके अंदर में करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या है, आपको पता है आपके बॉडी के अंदर में बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर में क्या होता है, बायो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है, जो भी है आपका मतलब बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के अंदर में क्या होता है, अपन क्या पढ़ते हैं बेटा, बायोलॉजिकल टर्म्स, बायोलॉजिकल टर्म्स, है ना, इसमें बहुत सारे टर्म्स आती है। साथ में क्या पढ़ते हैं अपन, मेडिसिन की स्टडी भी कर सकते हैं इसमें, मेडिसिन, ठीक है, उसके बाद में बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, अब ये बायोमोलिक्यूल्स होता क्या बेटा, बायोमोलिक्यूल जैसे आपके बॉडी के अंदर में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, जो आपके बॉडी के अंदर इसेंशियल प्रेजेंट है और आपके बॉडी के लिए इसेंशियल प्रेजेंट होने के साथ साथ वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जो आपके बॉडी के अंदर में प्रेजेंट रहेगा, उसको अपन बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो बायोमोलिक्यूल्स है उसके अंदर में मेडिसिन की अपन स्टडी करते हैं, जो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के अंदर में आता है, या फिर बायोलॉजिकल कुछ ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं उसके अंदर में इंक्लूडेशन होता है। ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ क्या पूछते हैं बेटा, उसके टाइप्स पूछते हैं या फिर क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं। और लास्ट है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्या बोला मैंने, एनालिटिकल केमिस्ट्री, अब ये क्या होता है, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में होता है बेटा स्टडी ऑफ एनालिसिस, स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स, मतलब जो भी कंपाउंड्स आपको क्या होते हैं आइडेंटिफाई होते हैं उसका क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पहले कैसी थी, बाद में कैसी हुई, चेंजेस क्या हुए, ये सब अपन क्या करते हैं इन टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ते। तो मेन समझ में आया कि मेन ब्रांच केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की सब ब्रांचेस ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोलॉजिकल और एनालिटिकल। ठीक है, ये था आपका
फर्स्ट पेज जो भी आपके टेक्स्ट बुक में है इंट्रोडक्शन के पार्ट में दिया है, और अबाउट केमिस्ट्री ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा बेटा वो आएगा आपका मैटर से रिलेटेड, है ना, कि मैटर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, फिर प्योर है इम्प्योर है, फिर उसका मिक्सचर कैसे होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होगी, मेटल्स कैसे होंगे, नॉन मेटल्स कैसे होगा, मेटालॉइड्स कैसे होगा, ये सब डिटेल्स में जाएगा अपना मैटर ये टॉपिक के अंदर में। ठीक है, तो बेटा आज के लिए अपन यही रुकते हैं, ये टॉपिक आप अच्छे से देखना क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है और बहुत ही डिटेल में आपको ये चैप्टर के अंदर में पढ़ना है। सो आज के लिए अपन यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू।